आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाथरूम के जो दाग होते हैं ना, जो टाइल के दाग होते हैं, उनको छुटाने का सबसे बेस्ट तरीका। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी देख सकते हैं कंडीशन सामने कितने ख़तरनाक दाग हैं, जो कि देख सकते हैं पानी सप्लाई का जो पाइप है उसके बराबर में। ये देखिए बहुत ही ज़िद्दी दाग, येलो कलर के। इनको छुटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत ही बेस्ट तरीका है छुटाने का। चुटकियों में क्लीन होगा ये, वो भी मात्र दो चीज़ों से। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने एक ढक्कन ब्लैक फिनाइल को लिया है, छोटा सा हिस्सा क्लीन करने वाला हूँ केवल वीडियो में समझाने के लिए। अगर बड़ा एरिया है तो उसी हिसाब से इसको लेना है, ब्लैक फिनाइल को। यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, रस भरा है, जिसमें रसीला नींबू हो वो लेना है। फोलिक एसिड होता है इसके अंदर, जब ये फिनाइल से टकराता है तो जिद्दी से जिद्दी दाग को आसानी से छुटाता है। ब्लैक फिनाइल के बारे में बात करेंगे लास्ट में, कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, तो एंड तक बने रहना है वीडियो के, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। अभी देख सकते हैं इसका रिजल्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ऐसी यूजफुल टिप्स मिलती रहेंगी। तो कुछ देर के लिए सबसे पहले फिनाइल को डाल करके छोड़ देना है, इससे सारी बदबू भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ जो गंदगी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी परमानेंटली। तो देख सकते हैं कंडीशन, सारी मैल मिट्टी, सारे दाग धब्बे छूट रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से रगड़ते रहना है नींबू से। तो देख सकते हैं कितना खतरनाक दाग छूट रहे हैं बहुत ही कम मेहनत में। तो इसी तरह की टिप्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें। अब यहाँ पे हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद में जो देखेंगे, देखिए लाइटिंग आ चुकी है टाइल पर। इसी तरह से टाइल हो या मार्बल हो, उसके दाग को भी छुटा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।